जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। एम इंटरटेनमेंट में खुश आमदीद। अच्छा, मैंने काफ़ी दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ, थोड़ी मसरूफियत थी। शॉर्ट वीडियो तो मैं डालता रहा, लेकिन मैंने कहा लॉन्ग वीडियो डालते हैं। अब माशाल्लाह काफ़ी बर्ड्स ने मेरे जो है ब्रीड कर दी है, और इधर भी सेटअप ने दे दी है और इधर भी दे दी है, यानी ये कॉलोनी में भी दे दी है और जहाँ पे मैंने छोटी कॉलोनी लगाई है उसमें भी दे दी है। अच्छा, मैंने कहा लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कल मुझे एक भाई ने व्हाट्सएप किया था, उन्होंने पूछा कि फर्टाइल एग्स और अनफर्टाइल एग्स के बारे में कुछ बताएं। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं फर्टाइल एग्स और अनफर्टाइल के कैसे पता चलता है। तो आए बताता हूँ मैं आपको फर्टाइल एग्स और अनफर्टाइल एग्स का हमें कैसे पता चलेगा। ये तो मैंने ये फ्लश लाइट चलाई हुई है, जिसकी वजह से लाइट से ये बहुत डरते हैं। इसके लिए सबसे अहम है ये आपको टॉर्च लाइट ले लेनी पड़ेगी, या मोबाइल के ज़रिए भी ले पैक लाइट के ज़रिए भी चेक कर लेते हैं, नहीं तो ये आपको लाइट लेनी पड़ेगी। ये आराम से मिल जाती है, ये तो मैंने मार्केट से 300 रुपए की ली है, LOS मार्केट से 300 रुपए की ली है और काफ़ी सही चल रही है। ये एक ज़रूरत की अहम चीज़ है। एक ये लाइट ले लें आप, इसके ज़रिए हम चेक करेंगे। और इधर हैं पहुँच जावा मेरी, और ये कॉलोनी मैंने आप शायद आपको मैंने बताया हो या ना बताओ, इसमें देखें आपको सिल्वर भी नज़र आ रहे हैं, ग्रे भी नज़र आ रहे हैं। ये कुछ इस तरह मैंने लगाई थी, मैंने इन्हें लगा दिया था। मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा जब मैंने पेयरिंग की थी तो एक्स्ट्रा ग्रे और सिल्वर मेरे पास बचे थे, तो मैंने इन्हें लगा दिया। ये कम से कम थे कोई 5-5 माह के या 6-6 माह के थे, 5.5 माह इस रंग की एज थी। और मैंने कहा चलो यार इन्हें छोड़ देते हैं या कुछ जेशे लगा देते हैं, मुझे इनसे उम्मीद नहीं थी कि ये कुछ ब्रीड वगैरह करेंगे। और आप यकीन जाने माशाल्लाह सबसे अच्छी ब्रीड इन्होंने की अभी तक। मैंने 4 जोड़े थे छोड़े हुए हैं इसके अंदर, और इसके अंदर जो है मेरे ख्याल से 3 नर हैं और 5 मादियाँ हैं, फीमेल हैं। तो हुआ कि जो है कि इसके 5 कुजे मैंने लगाए थे, जैसा कि आपको मैंने बताया हुआ है कि हमने 4 जोड़े छोड़ने, तो एक जो एक्स्ट्रा ही लगाना है हमने कुजा या बॉक्स, ताकि वो पसंद में लड़ाई ना हो कोई और ले लें। तो माशाल्लाह इन सब के अंदर पांचों के अंदर माशाल्लाह अंडे और बच्चे भी निकल आए हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई। और जो लोग कहते थे कि एक साल में ब्रीड करता है जावा, ये गलत साबित हो गया। मेरे पास माशाल्लाह 6 माह में इन्होंने ब्रीड कर दी है और बच्चे भी निकल आए हैं। एग्स तो दे देते हैं, मेरे साथ ये पिछली बार हुआ था कि एग्स दे देते थे लेकिन नहीं, एग नहीं निकले थे, फर्टाइल नहीं करते थे, लेकिन माशाल्लाह की बार इन्होंने फर्टाइल भी किए हैं। जैसा कि मैंने आपको विटामिन का बताया हुआ है पिछली वीडियो में, मैंने आपको इसमें बताया कि मैं कौन कौन से विटामिन इनको दे रहा हूँ। आप उसका मैं इस वीडियो के नीचे लिंक भी दे दूंगा, आप उसको देखें कि कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, जिसकी वजह से माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड आ रही है। चलें इसमें से एग निकालते हैं और आपको बताते हैं कि फर्टाइल एग और अनफर्टाइल एग कौन कौन से होते हैं। इसमें मैं आपको थोड़े से दिखा भी देता हूँ बच्चे जो निकले हुए हैं, 2 के दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए माशाल्लाह नज़र आ रहे हो, मुझे तो नहीं नज़र आ रहे। इसकी मैंने वैसे एक शॉर्ट वीडियो डाली हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं, उसके अंदर ये साफ नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। और अच्छे इसमें एग्स हैं, और ये 5 एग्स हैं, एक अल्फा टाइप का मैंने माशाल्लाह। एक बच्चा अभी
सही नजर नहीं आ रहे। छोटा सा बच्चा नजर आ रहा है, इसमें एक बच्चा है और चले मैं एक्स निकालता हूँ तो आपको दिखाता हूँ कि फर्टाइल और अनफर्टाइल में क्या प्रॉफिट है। एक मिनट जी, जैसा कि मैंने ये देखे एग नीचे निकाल लिए हैं और इसको मैंने देखे दाने के ऊपर रखा है। आपने इसको बहुत एहतियात करनी है, इसको ऐसे ही नहीं रख देने, आपने कहीं भी ये ख़राब भी हो सकती हैं। तो अब मैं बता दिखाता हूँ आपको, एक मिनट इसकी लाइट बंद करनी पड़ेगी। ये देखें, अगर आप गौर से देखें इसके अंदर तो आपको ये छोटी छोटी जो हैं नज़र आ रही हैं लाइनें, एग के अंदर छोटी छोटी लाइनें नज़र आ रही हैं, यानी कि रगे नज़र आ रही हैं। इसका मतलब है ये फर्टाइल है माशाल्लाह। आप इसी तरह इसको लाइट के ऊपर देखेंगे, ये देखें छोटी छोटी रगे नज़र आ रही हैं इसके अंदर, ये फर्टाइल माशाल्लाह आ गया। और अब दूसरा देखते हैं, ये देखें ये अनफर्टाइल हो गया है, इसके अंदर देखें कुछ भी नहीं है, रगे भी नहीं है, ये पीला हो गया है और ये कंफर्म अनफर्टाइल हो गया है। इसको हम ख़त्म कर देंगे, ज़ाया कर देंगे, ये अनफर्टाइल है। ये देखें, यानी कि आप इसमें ये देखें बनना शुरू हुआ था लेकिन कोई वजह ही होगी, छोटा सा कुछ ये अनफर्टाइल आ गया। ठीक है, अब ये देखते हैं इसका, इसके अंदर देखे ना आप, ये करीब दो दिन में या एक दिन में बच्चा निकल आया था क्योंकि इतना ये सख्त हो गया। इसको ये देखें, इसके अंदर रगे नज़र आ रही हैं, अगर आप गौर से देखें इसके अंदर रगे नज़र आ रही हैं ना, रेड रेड लाइनें नज़र आ रही हैं, इसका मतलब है ये भी फर्टाइल आया है माशाल्लाह। ये देखते हैं, अब ये देखें ये येलो हो गया, ये अनफर्टाइल आ गया। इसको देखते हैं, ये भी अनफर्टाइल आ गया। इसका एक बच्चा मैंने आपको अभी देखा है, आप लोगों ने एक बच्चा तो निकल आया, ये भी अनफर्टाइल है। एक बच्चा निकल आया, यानी कि इसने माशाल्लाह तीन चार बच्चे निकाले हैं, एक अंदर एक और बच्चा भी है। इसने चार बच्चे निकाले हैं माशाल्लाह, और दो एग हैं इसके जो फर्टाइल हैं और ये अनफर्टाइल है, ये फर्टाइल है। तो इस तरह पता चलता है अनफर्टाइल और फर्टाइल का। तो आप लोग भी चेक कर सकते हैं लाइट के ज़रिए या मोबाइल की लाइट के ज़रिए भी चेक किया जा सकता है, लेकिन इसमें ये होता है कि आप इसको लाइट को आराम से आप बॉक्स में जिस तरह होंगे ना, बॉक्स होंगे जिस तरह, ये मेरे बॉक्स लगे हैं, इसके अंदर आप क्या करेंगे, इसके अंदर जो है ये लाइट, आप ज़रूरी नहीं आपको एग बाहर निकालने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। आप इसके अंदर ही चेक कर सकते हैं, लाइट अंदर डाल के एग के ऊपर रख के आप चेक कर सकते हैं कि इनफर्टाइल है। ये जो हमारी टॉर्च है इसका ये फ़ायदा होता है। ठीक है, आपको कैसी लगी ये वीडियो, फर्टाइल एग्स और अनफर्टाइल एग्स के बारे में मैंने बताया। अब मैं आपको एक और वीडियो इंशाल्लाह शेयर करूँगा जिसके अंदर ये तो कॉलोनियाँ मैंने लगाई नहीं है, सिल्वर और ग्रे, क्या नाम है, ग्रे जावर के और सिल्वर जावर, वाइट जावर जो नीचे लगी हुई है, इसके अंदर मेरी कैसी परफॉर्मेंस आ रही है, क्या है, अंडे कितने फर्टाइल हैं, कितनों ने अंडे दे दिए हैं, ये इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत शुक्रिया आप सबका, अल्लाह हाफिज़।